लिसन मी केयरफुली, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। इसका मतलब है जब चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह देख रहा हूं ऐसे नहीं बोला, देख रहा था। कब देख रहे थे प्रभु? जब तुम दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे तब मैं बिजली की नाई शैतान को नीचे गिरते हुए देख रहा था। जब कलीसिया शैतानों को निकालती है, बंधनों को तोड़ती है, चंगाई करती है, अद्भुत काम करते हैं, तो शैतान का राज्य दूसरे स्वर्ग से नीचे गिरता है और धरती पर बर्बाद होने लगता है। आज मैं विश्वासियों से पूछता हूं, क्या हमारे पास में दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार है क्या? मरकुस 16:16-17-18 में बाइबल कहती है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह हैं कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे तो भी उनको कोई हानि नहीं होगी, नाशक वस्तुएं पी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। और प्रेरितों के साथ चलता गया और अद्भुत कामों के द्वारा उसने वचन को प्रमाणित करते गया। आज कलीसिया दुष्ट आत्मा निकालती है या दुष्ट आत्मा से घिरी है? हम शैतान के राज्य को आकाश से नीचे गिरा रहे हैं कि शैतान के राज्य को आसमान में बढ़ा रहे हैं? आर वी पीपल आर कास्टिंग द डीमन और पजस्ट विद द डीमन? ये क्या कर रहे हैं अंधकार की शक्ति तुम्हारे परिवार में बैठकर? क्या कर रही हैं दुरात्माएं आपके धन संपत्ति के ऊपर बैठकर? क्या कर रही हैं आपके युवाओं और युवतियों को पाप में गिरा करके? आप क्या कर रहे हैं? कौन सी वाली बाइबिल ले बैठे हैं अपने हाथों पर? हमने उसके घाव को चंगा किया है या उसके घाव को चोट पहुंचाया है? जैसे जैसे लोग अंधकार की शक्ति की पकड़ में जाते हैं उसका शासन बड़ा होता है, परंतु जैसे जैसे लोग अंधकार की शक्ति से आजाद होते हैं उसका शासन टूट करके नीचे गिर जाता है। आज 99% बाइबिल जानकार जो हैं अंधकार की ताकत के गुलाम बने पड़े हुए हैं। कहीं मोबाइल का भूत चढ़ा है, कहीं फेसबुक का भूत चढ़ा है, कहीं लोभ का, कहीं लालच का, कहीं बीमारी का, कहीं नानादि प्रकार की समस्याएं आज परिवार के अंदर पाई जाती हैं, हमारे समाज के अंदर पाई जाती हैं। बोलो उसका घाव अच्छा हो गया या और भी गहरा हो गया कि वो मरने वाला है? आज संपूर्ण भारत के अंदर में मसीह विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, कलीसियाएं तोड़ी फोड़ी जा रही हैं। वाई? क्योंकि आप उनको पावर दे रहे हैं। हमने उसकी सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया। वी हैव लॉस्ट द रिवाइवल। यहोवा का उदय होना हुआ था, परंतु इस पृथ्वी के अंदर जो अंधकार है उसने हमें अपनी पकड़ में ले गया, और जो यहोवा का प्रकाश उदय हुआ था पिंतेकुस के दिन ना, हमने उसको खो दिया। आज हम केवल नाम जानते हैं पवित्र आत्मा का, काम नहीं। वी नो अबाउट द होली स्पिरिट बट वी नॉट हैव द इनकाउंटर विद द होली स्पिरिट। वी आर टॉकिंग ए लॉट अबाउट द होली स्पिरिट। आत्मा आ रहा है, अरे काय का आ रहा है, बीड़ी बुझा के आया है तू? कहां आ रहा है? बीबी को पीट रहा है, कहां आ रहा है? हे प्रभु तू आ गया, कहां आ गया? भूत तो नहीं निकला, गया भी था बाहर गेट में खड़ा था, निकलते बराबर पकड़ के बोले चल घर चलेंगे। समस्याएं तो हैं, समाज बॉन्डेज में तो है, उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, उसका प्रकाश उदय तो हुआ था, परंतु इस संसार में पृथ्वी पर अंधकार और राज्य राज्य पर घोर अंधकार छाया हुआ है। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। ये रिवाइवल मीटिंग है, यहां एक और आशा हमारे लिए है, और वो आशा ये है, कोई बात नहीं पृथ्वी पर अंधियारा है, कोई बात नहीं राज्य राज्य पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु जिस दिन तू खोजी हो जाएगा, जिस दिन तू मन फिरा के लौट आएगा, जिस दिन तेरे अंदर में वचन के ऊपर जल की वर्षा करने का मन आ जाएगा, उस दिन बाइबिल कहती है यहोवा तेरे ऊपर उदय हो जाएगा। The light shall be shine upon thee. This is the revival. There is a hope behind. हमारे पीछे एक धन्य आशा है, और उस आशा के अंतर्गत जो भी वचन आज हमारे दिल में है, दिमाग में है, उसको परमेश्वर एक बार जीवित करेगा।
यही है जागृति। जागृति वचन के प्रचार से नहीं होती, जागृति वचन को सुनने के बाद अपने मन को समर्पण कर दिया जाए और परमेश्वर यदि प्रसन्न हो करके हमारे मन के समर्पण के ऊपर में बोए गए बीज के ऊपर पवित्र आत्मा का आंदोलन शुरू कर देगा तो ये वचन हमारे जीवन में अंकुरित हो जाएगा और जिस दिन वो अंकुरित हो जाएगा उस दिन जागृति शुरू हो जाएगी। जागृति जब तक पवित्र आत्मा अपनी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वचन के अंदर जीवन देने का काम नहीं करेगा तब तक रूपांतर नहीं होगा। जब तक उसके लोग पाप के बंधन से आजाद नहीं होंगे, बीमारियों से आजाद नहीं होंगे, तब तक शैतान बिजली की नाई दूसरे वाले स्वर्ग से गिरता नजर नहीं आएगा। आज मैं तमाम अभिषिक्तों से पूछूं कितनी दुष्ट आत्माएं आपने निकाली थी कि वो साथ चली आई निकालते निकालते। हाउ मेनी यू पीपल आर कास्टिंग द डीमन, हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑपरेटिंग द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट इन योर मिनिस्ट्री। क्यों दर्शन नहीं हो रहे, क्यों भविष्यवाणी नहीं हो रही, क्यों तुमको और परमेश्वर के भारी अभिषेक नहीं मिल रहे हैं। कल भारी मात्रा में स्पॉन्डिलाइटिस से लोगों को चंगाई मिली, आज भी परमेश्वर बड़े चमत्कार करेंगे। आपको भी ये करना है। यदि आप परमेश्वर के कोवर्कर्स हैं, यदि आप परमेश्वर के राज्य के सहकर्मी हैं तो आपके पास में पवित्र आत्मा के वरदान होना चाहिए, क्योंकि वरदान होगा तो बिजली की नाई शैतान नीचे से गिरेगा, तभी ना उसके घाव में चोट दीजिए, उसके सिर में चोट दीजिएगा। हम तो उसको चंगा कर रहे हैं। जितने भी अभिषिक्त परमेश्वर के दास लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के वरदानों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप शैतान को कोऑपरेट कर रहे हैं। यू आर नॉट वर्किंग फॉर गॉड बट यू आर कोऑपरेटिंग द डिमोनिक फोर्सेस बिकॉज यू आर नॉट इक्विपिंग द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ऐसा करके आप उसका राज्य कायम कर रहे हैं। वो एक सीरियस आता था ना, अंधकार कायम रहे, हम भी तो उसी के सपोर्टर हैं। यदि आपके पास में पावर नहीं है, यदि आपके पास में चंगाई का वरदान नहीं है, यदि आपके पास में दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ने का अधिकार नहीं है, वी आर कोऑपरेटिंग द किंगडम ऑफ डेविल। सावधान हो जाइएगा। यह इसलिए होता है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान खराई मनुष्य के जीवन से समाप्त हो गई। हम समझौतापूर्ण जीवन में हैं, हम संस्था के लिए काम करते हैं, हम मिशन के लिए काम करते हैं, मेरे प्रभु के लिए नहीं, कोई पेट के लिए काम करता, मेरा फायदा कहां होगा। इसके लिए काम करने वालों, तुमको कभी परमेश्वर सामर्थ्य नहीं देगा। जिस दिन उसके लिए जीने मरने की हम कसम खा लेंगे उस दिन कहेगा ये मरी गया तो इसके साथ चलने में जरा मजा ज्यादा ही आएगा, हम तो जिंदा है ना। इसलिए हर परमेश्वर के दासों को ऐलान है, यदि आपको इन दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा अधिकार नहीं मिलते हैं तो हम उस घाव को गहरा करने के बजाय उसको चंगा करने में मदद कर रहे हैं। ओ यहोवा उदय हुआ था, अब अंधकार का साम्राज्य है, पर यदि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो एक बार फिर प्रभु जी का वचन कहता है तुझ पर यहोवा उदय होगा। देयर इज अ चांस, आपके लिए एक धन्य आशा है। तब जो है अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगी और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। रिवाइवल, पवित्र आत्मा की सनसनाहट सुनाई दे रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दिल मचल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। परमेश्वर का आत्मा बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहा है कि मुझे मौका दो, मैं तुम्हारी जिंदगी को रूपांतरित कर दूंगा। तुमने सुना तो बहुत है परंतु जिंदगी में वो बदलने का कारण नहीं बना। वी नो द बाइबल बट देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन इन अवर लाइफ। हम जानते हैं वचन, हमको सच्चाई मालूम है, हमने सुना है परंतु वो अनुभव नहीं, क्योंकि आज मेरा प्रभु पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहा है कि आप अपने संपूर्ण मन के समर्पण से ये कह दो कि तेरी बातें मेरे जीवन के अंदर अनुभव में बदल जावे। तब पवित्र आत्मा एक ऐसी आंधी लेके आएगा कि जागृति शुरू हो जाएगी।
ये जागृति इसलिए नहीं होगी कि केवल चिन्ह और चमत्कार हो जाएं, परंतु वास्तविक जागृति वो है जहां हम परमेश्वर के वचन के अनुसार फिलेडेल्फिया की कलीसिया के समान अपने जीवन के अंदर वचन के अनुसार चलना शुरू कर दें।